आज नेशनल मीडिया में दीपिका पादुकर का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो एक हीरोइन है जो भारत के पैसे से जीती है, भारत में ही पैसा कमाकर टॉप की हीरोइनी बनी है। वो जेएनयू गई थी अपने मूवी का प्रचार करने एक मानो में, और जेएनयू में उन लोगों से मिली जो देश विरोधी नारे लगाते थे और अपना दुख जाहिर करके चले आई और मीडिया में आ गई। बहुत ही दुख जाहिर कर रही थी दीपिका पादुकर। तो मैं दीपिका पादुकर के कहना चाहूँगा, एक बार थोड़ा रिवर्स गियर डाल के इतिहास उठाकर देख ले जेएनयू का। ये वही जेएनयू है जहां पर भारत के टुकड़े करने के नारे लगे थे, ये वही जेएनयू है जहां पर वीर सावरकर के खिलाफ नारे लगे थे, ये वही जेएनयू है जहां पर हमारी आर्मी, हमारी भारत की सेना के ऊपर गलत प्रकार का दुष्ट प्रचार करने वाले यही जेएनयू के लोग हैं जिनके साथ तुम जाकर खड़ी थी। हमारे जवानों पर, हमारी पुलिस पर हमला करने वाले यही जेएनयू के लोग हैं जिनके साथ आप जाकर खड़े थे। कम से कम विचार विमर्श तो करना था। और एक आपकी मूवी आ रही छपक, 15 साल की एक लक्ष्मी अग्रवाल लड़की के ऊपर एक व्यक्ति एसिड फेंक देता है। अरे यार, कम से कम वो व्यक्ति का नाम सही तो मूवी में उपयोग करना था, एसिड डालने वाला मुसलमान सैयद नदीम, उस व्यक्ति का नाम। 2005 में दिल्ली तुगलक रोड पर लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर हमला करने वाला मुसलमान था, लेकिन छपक मूवी में हिंदू नाम दिया जा रहा। इतना झूठ, इतना फ्रॉड, हिंदुओं पर इतना जुल्म, हिंदुओं को इस तरह से इतना बदनाम किया जा रहा मूवी बनाकर। मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को यह कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे में दम है, जो रियलिटी है, जो रियल नाम था जो लक्ष्मी अग्रवाल जी के ऊपर जिसने एसिड हमला किया था, कम से कम उसका सही नाम तो बताना था। यानी आप हिंदू नाम लगाकर हिंदुओं को बदनाम करने का तुम्हारा इतना गंदा षड्यंत्र, इतना घटिया षड्यंत्र। मैं भारत के उन सभी मेरे भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा, इस मूवी का बहिष्कार करो, दीपिका का बहिष्कार करो, तब इनको पता चलेगा कि हिंदुओं से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं सभी मेरे भारतवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।